सो स्वागत है जी एक बार फिर आप सब दा अज दे इस रिलीजियस सैगमेंट विच। पिछले समय दौरान असी भागवत गीता की एक बड़ी लंबी सीरीज चलाई सी जिसका कि तुहाडे वल्लों भरवा हुंगारा सानू मिलिया सी ते खास तौर उत्ते टोरोंटो साइड तो सानू बहुत सारियां कॉल्स आया करदी सी। उसनों ही मुख रखदे असी बेनती की रजनी शर्मा जी नूं जिहड़े कि एक हिंदू डिवोटी ने मेहनत करके साडे कोल इन्होंने जो तैयारी करके पिछले समय दौरान आ के भागवत गीता की बहुत आसान तरीके नाल एक्सप्लेनेशन की सी। असी क्या इस सिलसिले नूं असी अगे चलाइए ते इन्हां वल्लों एक सुझाव दिता गया कि आओ इस नूं अगे चलाइए जिहड़ा कि पुराणा दे विच कथावां ने उन्हां नूं लै के किस तरीके नाल उन्हां दा इंप्लीकेशनस साडे रोज़मर्रा जिंदगी ते पै सकदा है उस नूं लै के गलबात करिए। सो अज तो असीं एक मुड़ तों दोबारा सीरीज शुरू करन जा रहे जिस विच के पुराने कथावां नूं लै के उसके हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव तो लै के साइकोलॉजिकल एस्पैक्ट की है ते खास तौर उत्ते अज असीं की उस चीज़ तो सीख सकते हैं। स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। जय जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो पिछले समय दौरान जो हमने भागवत गीता किया तो बहुत सारी नई चीज़ों का पता चला और हमारे दर्शकों की तरफ से भी बहुत अच्छा हुंगारा हमें मिला और बहुत सारी कॉल्स वगैरह भी आती रही, ईमेल्स भी आती रही। सो आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। तो पुराने गाथाएं की जब हम बात करते हैं, हमें मालूम है पुराणों में क्योंकि हिंदू शास्त्र बहुत अलग अलग हैं और हर की कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, तो ये पुराणिक गाथाएँ जो हैं ये क्या हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है जी? देखिए हरप्रीत जी, जो पुराण है बहुत पुराण से अर्थ है पुराना, राइट, दे आर वेरी ओल्ड बट दे आर नॉट हिस्ट्री। हमें ये बात को सबसे जरूरी पहले समझना है कि पुराण इज नॉट हिस्ट्री, इट इज साइकोलॉजी। अच्छा जी, तो उसमें क्या है कि जो भी चीजें जो भी कथाएं हैं उसके बहुत सारे डिफरेंट लेवल हैं, राइट, उसका सोशल लेवल, मॉरल लेवल वो तो है ही, रिलेशनशिप, उसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ माइंड। अच्छा जी, तो काफी सारे उसके तल हैं हर कथा के। तो उससे क्या होता है कि हमको जिस तरह से हमारी अपनी समझ बढ़ती चली जाती है, right, हम उन कथाओं को समझते चले जाते हैं डिफरेंट लेवल पे। तो ये उस पौराणिक कथाओं का महत्व है। ओके, और जैसे आपने रिसर्च करके खोज करके ये समझा कि इसको हम दर्शकों के सामने लेके आए, और भी बहुत सारी हमारे पास ग्रंथ हैं, तो इसी को क्यों आपने समझा कि इसको लेके हम दर्शकों के साथ पहुंचे, बात करें? हरप्रीत जी, क्या है कि जब हमने भगवद गीता की तो भगवद गीता जो के रचयिता हैं वो ऋषि वेद व्यास जी हैं, ठीक। तो वेद व्यास जी ने वेदों की भी रचना की और महाभारत की रचना की, महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की, उसी के दौरान गीता का संवाद हुआ भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जी। लेकिन वेद व्यास जी, आपको याद होगा कि जब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था तो उन्होंने कहा था कि समझो अर्जुन, ऋषियों में मैं व्यास हूँ, राइट। तो व्यास जी को भगवान का ज्ञान अवतार मानते हैं। लेकिन एक दिन ये जो भागवत की कथा है वो इस तरह से, जो भागवत ग्रंथ की रचना हुई, अच्छा जी, एक दिन वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हैं, सरस्वती नदी के किनारे, सूर्योदय का समय है, अपने वंदना पूजा करके वो आके बैठे और उनका मन उस दिन हृदय में थोड़ी सी अशांति, थोड़ी सी खिन्नता, और उनके मन में ये विचार आया कि मैंने वेदों के विभाग किए, पहले भी कुछ पुराणों की उन्होंने रचना की, महाभारत जैसा ग्रंथ किया, वो ब्रह्म तेज से संपन्न है, अच्छा जी, तत्व के ज्ञाता हैं, इसके बावजूद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अभी मैं अपूर्ण काम हूँ, अभी कुछ करना बाकी है जी, अभी वो तृप्ति जो होनी चाहिए, हालांकि ब्रह्म तेज के बाद अतृप्त होने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि इट्स नॉट 100%, इट्स 95%, राइट। तो वो ये सोचते हैं कि क्या वजह हो सकती है, देयर इज समथिंग मिसिंग समवेयर, राइट, एंड ही कुड नॉट पिन पॉइंट इट कि वो क्या है जी। तो अचानक भगवान की कृपा कहें, देव योग से वहां पर नारद ऋषि का आगमन होता है। नारद जी ब्रह्म ऋषि कहते हैं उनको जी, और वो उनके पास इस तरह की शक्ति है कि वो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, वीणा लेके हाथ में और भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए तीनों लोकों में नारद जी घूमते हैं। तो नारद जी का आगमन हुआ वेद व्यास जी के आश्रम में, वेद व्यास जी ने उनको, उनका स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछा, और उसके बाद अपनी जो हृदय में भाव आए थे वो नारद जी को कहे कि आप मुझे बताइए ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। तब नारद जी ने उन्हें बताया
नारद जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप तो इतना इतने तत्व ज्ञाता हैं, आप तो ब्रह्म तेज से संपन्न हैं आप, और आपने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ, अध्ययन नहीं किया रचना की है उनकी, तो आप इस तरह से सोच रहे हैं। तो ब्रह्म नारद जी ने अपने से उनको कहा, जो भगवान की प्रेरणा हुई जी, उन्होंने कहा कि देखिए व्यास जी, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने साधन हैं, जप तप यज्ञ, सभी का प्रयोजन क्या है, अल्टीमेट इसका एंड रिजल्ट क्या है, राइट, और उसका एंड रिजल्ट है कि मनुष्य के हृदय में भक्ति का जन्म हो, राइट, और अगर उसके मन में भक्ति का जन्म नहीं होता है तो सब व्यर्थ है। ठीक, तो आप अब इस तरह के ग्रंथ की रचना करें जो आम मनुष्यों को, कलयुग के इन मनुष्यों को जो है भक्ति का, जो है उनके हृदय में भक्ति जागृत हो, इस तरह के आप ग्रंथ की रचना करें। तो ऐसा नारद जी ने उनको प्रेरणा दी व्यास जी को, और व्यास जी के हृदय में ये बात उसी वक्त बहुत जच गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा, शायद यही बात है कि मैंने अभी तक भगवान की लीलाओं का श्रवण गायन वो सब नहीं किया। आरपी जी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जी। देखिए, जो अभी इस वक्त जो शास्त्रों के अनुसार जो समय चल रहा है वो कलयुग है, तो जब सत्य युग था, चार युग हैं, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो सतयुग में बहुत तप, सभी लोग बहुत सरल मन के थे और तप किया करते थे, और इसी तरह से त्रेता में लोग यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा करते थे, द्वापर में थोड़े यज्ञ और दान के साथ भगवान की पूजा करते थे, लेकिन कलयुग का जो युग धर्म है वो केवल हरि नाम संकीर्तन, गुरुवाणी भी कहती है कल में हर को नाम, केवल कीर्तन से ही जो है वो भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना, उसी से ही जो है हृदय में स्थिरता आ जाती है। भक्ति का मार्ग जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, इम्पोर्टेंस दी गई है। इसके अलावा तो इतना कहा गया है कि कलयुग में कोई और मार्ग है ही नहीं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम जी, ऐसा कहा कि इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना कहा जाता है जी, वाणी में भी ये आता है जी। तो ये जैसे आप बता रहे हैं, तो ये जो वार्तालाप हो रही है नारद जी और व्यास जी के बीच में जी, तो इसमें ये समा कोई बताया गया, कब ये बातचीत हुई? ऐसा है कि भगवान कृष्ण का जब वो इस पृथ्वी को छोड़ के गए हैं, उन्होंने अवतार लिया था जी, जी। द्वापर युग में लिया था, तो आज से हम 5000 साल पहले की करीबन वो वक्त है, तो भगवान कृष्ण जो हैं वो अब पृथ्वी से जा चुके हैं और उसके बाद की ये राइट। सो आपने जैसे कहा कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है, कोई ये इतिहास नहीं बताया गया, ये एक साइकोलॉजिकल जो एक इंसान की सोच थी, आगे जो हम बातें करेंगे, जो आप स्टोरीज के जरिए व्यास जी ने ये कोशिश की कि इंसान को वो भक्ति के मार्ग के ऊपर चलाया जाए। हरप्रीत जी, इसमें दोनों बातें हैं कि मैंने आपसे कहा कि ये हिस्टोरिकल केवल नहीं है, ओके, इट्स अ हिस्ट्री, राइट, इट हैज हैपेंड। 5000 से पहले भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, उससे पहले भगवान राम आए, तो हम ये मानते हैं, सनातन धर्म के लोग ये मानते हैं कि ये हिस्ट्री भी है, क्योंकि ये ऐसा हुआ इतिहास में। हम लोगों के पास वो इतिहास अवेलेबल नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग बात है। पर ये कथाओं के अंदर क्या हिस्ट्री को भी बताया गया है? क्योंकि कथाएं उसी वक्त की हैं, तो वो जो रिलेटेड है उन चीजों से रिलेटेड, उन चीजों से रिलेटेड है, उन स्थानों से रिलेटेड है, वो उन ऋषियों के, उन व्यक्तियों के, उनके नाम हैं, उनके वंशज हैं, तो वो एक बहुत सिस्टमैटिक है। जो इसके अलावा एक बड़ी बात जो इस भागवत पुराण में है वो ये कि हमने देखा कि भगवत गीता का जो संवाद है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है, भागवत भी संवाद के रूप में है जी। ये है राजा परीक्षित और शुकदेव मुनि के बीच में। अच्छा जी, शुकदेव जी व्यास जी के बेटे हैं,
राइट और राजा परीक्षित कौन थे और ये सुखदेव जो आपने बताया उनके बेटे हैं, इसके बारे में बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कि राजा परीक्षित, जैसे हमने देखा था कि गीता में, जो गीता के सार में आपने जो बातें बताई थी कि वो भी एक तरह का वार्तालाप जो होता है और वो अंदर अपने बैठे हुए सब सुन रहे हैं क्योंकि वो ब्लाइंड हैं, वो देख नहीं सकते और उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो राजा परीक्षित कौन थे इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। रजनी शर्मा जी नाल असीं गलबात कर रहे हैं भागवत पुराण दे विचों जिहड़ियां कथावां ने उन्हां नूं लै के हाज़र होया करांगे। तो अज एक बेसिक तुहानूं अंडरस्टैंडिंग दित्ती जा रही है कि यह जिहड़े पुराणिक कथावां जिहड़ियां हैगियां ने यह की ने, कदों लिखियां गईयां, की इसकी महत्ता है, इस बारे आओ होर जानकारी लैने जी। सो ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे राजा परीक्षित और सुखदेव के बीच में ये वार्तालाप जो हुआ, ये इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, ये पुरानी कथाएँ हैं जी। तो राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे, अभिमन्यु अर्जुन के बेटे थे। तो राजा परीक्षित इज ग्रैंड सन ऑफ अर्जुन, ठीक है, तो ये उसी उन्हीं के वंशज हैं, तो उसी एज में। और जो शुकदेव मुनि हैं वो वेद व्यास जी के बेटे हैं। राइट। तो हरप्रीत जी, इसमें एक बात हमको ये बहुत इसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वो ये कि जैसे नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने कहा, पर ये ऐसा नहीं कि किसी ने बैठ के कोई एक पुस्तक की रचना की, ये इस तरीके से नहीं है। ये एक तरह से रीडिस्कवरी है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने, भगवान नारायण ने खुद ब्रह्मा जी को ये भागवत कही थी जी। और उसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत, सिर्फ चार श्लोक थे उसमें। अच्छा। और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी का लेवल इतना हाई है कि वो छोटी सी सार गर्भित बात कही और वो ब्रह्मा जी ने समझ के उसके बाद सृष्टि का, सृष्टि को रचने का कार्य किया जी। उसके बाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी, और फिर ऋषि हुए सनकादिक जी। तो सनकादिक ब्रह्मा जी से उन ऋषियों ने सुना, वहाँ से फिर नारद जी ने सुना, नारद जी ने अब व्यास जी को ये कहा और बताया। तो इस तरह से इट इज लिनिएज है इसकी, जैसे कि एक शिष्य गुरु परंपरा होती है। और फिर व्यास देव जी से शुकदेव मुनि ने सुनी अपने पिता से ये भागवत, और फिर शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो ये कितना कितना बड़ा है ये ग्रंथ, इसको अगर हम ग्रंथ कहेंगे या हम क्या कहेंगे इसको, पुराण, पुराण जो है, तो इसमें पुराण भी बहुत तरह के हैं जो मैंने सुना है। तो ये जो हम फोकस कर रहे हैं पुरानी कथाएं हैं, तो ये कितनी लंबी हैं, क्या क्या मतलब कैसे ये क्या एक एक इंस्टेंस को लेके बनाई गई या एक कंटिन्यूएशन है, जैसे हमने गीता के बात की थी जब। देखिए हरप्रीत जी, ऐसा है कि ये जो 18 पुराण हैं जी, लेकिन इस हम अपने प्रोग्राम में जो इस वक्त फोकस करेंगे वो ये वेद व्यास जी का रचा हुआ भागवत पुराण, ठीक है जी। उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। उसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। अच्छा। और उसके विदिन 12 स्कंदों के कई अध्याय और फिर श्लोक जो हैं और उसके बाद 12 चैप्टर्स जो हैं, तो इनके अंदर भी क्या कोई चैप्टर वाइज कोई बातें की गई हैं या जस्ट जनरल बातें? जी एक्चुअली इसमें कई चीजें होती हैं। तो सृष्टि का वर्णन है कि किस तरह से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, किस तरह से इसकी मेंटेनेंस है, किस तरह से इसकी आगे इसका प्रलय होके ये नष्ट हुई फिर बनी, उसके बाद हर बार जब पृथ्वी बनती है तो उसमें कितने मनवंतर कहते हैं कि किस काल में कितने राजाओं ने किस तरह से किया, उनकी पूरी डिटेल्स हैं। तो ये सारा कुछ इतना सिस्टमैटिक है कि कभी कभी अब जब हमें हिस्ट्री मिलती है तो, और हम ये देखते हैं कि किसी राजा का, या अभी आप देखिए कोई एक खुदाई हुई जी, तो उसका जिक्र है उसमें। तो इट इज सो सिस्टमैटिक, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि इतिहास नहीं है। ये इतिहास भी है, लेकिन अगेन इसकी केवल ऐतिहासिक वैल्यू नहीं है। इसकी जो है वैल्यू वो साइकोलॉजी है और स्पिरिचुअल है। तो जो व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है, जब वो ये सब सुन के उसके हृदय में भक्ति का जन्म होता है और उसको वो ब्रह्म साक्षात्कार होता है, आत्म तत्व का पता चलता है, तो वो जो सत्य है
वो कालातीत हैं। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले अर्जुन को किसी और सत्य का पता चला और आज जिस मनुष्य को आत्म साक्षात्कार होगा उसे किसी अन्य सत्य का पता चला। सो दे रीच टू द सेम गोल, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि मंदिरों में कथाएं होती हैं, तो क्या पुराने कथाएं जो हैं क्या इनका भी वहाँ पे पंडित लोग जो हैं वर्णन करते हैं और क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं? जी हरप्रीत जी, भागवत शास्त्र का तो जो है इंडिया में बहुत बड़े बड़े समागम होते हैं इसके, और आमतौर पर एक एक बार में 7 डेज के लिए भागवत सप्ताह कहते हैं किया जाता है, हजारों मनुष्य उसमें भाग लेते हैं और जो बड़े जानने वाले लोग हैं वो इसका देते हैं। तो इसलिए मैं तो आपसे सबसे पहले दर्शकों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये बहुत गूढ़तम साहित्य है, वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस इसमें से। ऑफ कोर्स ये मतलब मंदिर में तो ऑफ कोर्स इन डिटेल्स, हम तो एक जनरल अपने भाइयों और बहनों के लिए जो है एक कोशिश कर रहे हैं कि ये कथाएं जो है इनकी इनके जरिए कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं उसके बारे में हमें पता चल सके। अच्छा, अब क्योंकि ये 18,000 श्लोक हैं ये तो हम कवर कर नहीं सकेंगे, तो आप कैसे प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों को लेके आप आगे दर्शकों को बताएंगे? देखिए अर्पित जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसका भागवत का आपको महात्म्य और बताऊं कि जो नारद जी ने बताया उस वक्त। नारद जी ने कहा कि एक दिन वो ऐसे ही तीनों लोकों में घूम रहे थे तो वो पृथ्वी पे आए और पृथ्वी में ये जो वृंदावन का क्षेत्र है जहाँ पर कि भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं हुई, मथुरा वृंदावन, उस एरिया में गए। वहाँ पर उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक बहुत अच्छी सुंदर तरुणी युवती यंग वुमेन और उसके साथ में दो बहुत बूढ़े लोग जो हैं बैठे हुए हैं और वो बिल्कुल बीमार और अचेत से पड़े हुए हैं और वो लेडी बहुत यंग है और वो कोशिश कर रही है कि कभी मैं किसी तरह से मैं इनको ये चेतन अवस्था में आ जाएं, बेहोश पड़े हैं वो दोनों और उनके ऊपर कभी वो पानी के छींटे देती है, कभी कोशिश कर रही है, कभी रोने लगती है अपने को अवश्य सपा के कि ये क्या हो रहा है। तो कौतूहल से ये नारद जी उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष जो तुम यहाँ पर हैं ये तुम्हारे कौन हैं और तुम क्यों इस तरह से परेशान हो? तो उस युवती ने जवाब दिया, वो कहने लगी कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, इसका नाम है ज्ञान और इसका नाम है वैराग्य और मैं हूँ भक्ति। ठीक है, मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं। जी, तो नारद जी भी बहुत हैरान हुए कि ऐसा तो आमतौर पर होता नहीं। ठीक है, और उस स्त्री ने भी यही कहा कि मेरी परेशानी की वजह भी ये है कि होना ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और बेटे दोनों जवान हो, लेकिन यहाँ मैं तरुणी हूँ और मेरे दोनों बेटे वृद्ध और जराजीर्ण अवस्था में हो रहे हैं, ये क्या है? आप भी मुझे इसका कुछ भेद बताइए या मैं इसका दुख कैसे दूर करूँ? तो नारद जी ने फिर सोचा कि मैं इसका जरूर कोई उपाय ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा। और फिर वो सनक आदि एक ऋषि हैं जो बड़े पुरातन ऋषि हैं ब्रह्मा जी के नेक्स्ट लीनियज में, वो उनके पास गए और तब उन्होंने ये उपाय कहा कि आप ऐसा कीजिए कि भागवत शास्त्र का पाठ कीजिए, उसकी कथाएं और श्रवण कीजिए, जिससे कि जो ज्ञान और वैराग्य हैं इनको बल मिलेगा। तो सीखने की बात यह है कि केवल भक्ति इज नॉट अनफ। भक्ति तभी संपन्न होती है अगर उसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों हो। लेकिन ज्ञान और वैराग्य केवल काम नहीं देते हैं। सो ये ट्राइंगल जो है तीनों चीजों की जरूरत है। तीनों चीजों की जरूरत है। भक्ति फिर भी अकेले थोड़ी स्टैंड अलोन करेगी, लेकिन बिना ज्ञान और वैराग्य के उसमें वो गहराई नहीं आएगी। अच्छा रजनी जी, ये बताइए कि नारद मुनि की जो बात की, थोड़ा सा उसको भी टच कर लें, क्योंकि आमतौर के ऊपर जो हमने सीरियल्स देखे जिसमें कि भारत में महाभारत या और भी जितने भी आए उसमें नारद मुनि का जो रोल दिखाया जाता था वो था कि जहाँ भी जाते थे वो एक तरह का जिसको कहते हैं ना जी भांबड़ में वो लोगों में और ज्यादा कर देते थे। तो क्या वाकई में
उनका ये रोल रहा है या जैसे आप बता रहे हैं कि उनने जैसे व्यास जी को बोला कि आप ये करो भक्ति का ये ग्रंथ जो है इसको इसको इसका इसको लिखना शुरू करो, तो ओवरऑल उनका रोल क्या था? क्योंकि ये उनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज जो बिगनिंग हम कर रहे हैं पता लग जाए हमारे दर्शकों को क्या रोल क्या रहा है उनका। देखिए नारद ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी के जैसे मैंने कहा मानस पुत्र जी, तो नारद जी क्योंकि तीनों उनके पास ऐसी पावर थी कि वो तीनों लोकों में जा सकते थे ठीक है, तो वो आम तौर पर जो है लोगों की जो परेशानियां हैं उस उनके पास उसका वाइडर प्रस्पेक्टिव होता था राइट। तो कभी कभी वो एक तरह से उनका एक उपाय होता था कि अगर किसी इसकी बात ही उसको या उसकी बात उसको, एक्चुअली ही वॉज आई कैन से कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ भगवान के, ठीक है, बट इन अ पॉजिटिव रोल, नॉट दैट काइंड ऑफ रोल व्हिच वाज शोन, नो, ओके, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अब देखिए व्यास जी का किस तरह से असंतोष दूर किया उन्होंने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये जो आज आपने बेस बनाया, तो आने वाले हफ्ते से हम जो है गथाओं के ऊपर फोकस करके बातचीत करेंगे, राजा परीक्षित की जो आपने बात की और उसके अलावा क्या क्या बातें होती हैं और उन चीज़ों में से आज हमें क्या ग्रहण करने की जरूरत है उसके ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो इस नाल कर दें जी आज दे इस प्रोग्राम की समाप्ति, फीडबैक जरूर देना 6046037555। ये प्रोग्राम जो असी शुरू किया खास तौर उत्ते साडे हिंदू भैणां ते भरावां वास्ते, क्योंकि असी इत्थे हरप्रीत सिंह शो की टीम ये बिलीव करती है कि जिस भी धर्म में तुहाडी आस्था है उस विच तुसी होर मजबूत होवो, सानू पता होवे साडे संस्कार की ने, साडा इतिहास की है, सानू की उपदेश मिलता है, क्योंकि हर एक धर्म के यही सिखाया जाता है कि असी चंगे इंसान बनीए। सैटरडे की शाम को तुहाडा मेरा साथ जो 8 to 9 तक हुंदा है, उस तो अलावा मंडे टू फ्राइडे सवेरे 7 to 8 तक अते मंडे टू थर्सडे रात को 10 to 11 तक वक्रे वक्रे मुद्दों उत्ते तुहाडे नाल गलबात करते हैं। धन्यवाद जी असं अपने स्पॉन्सर के एडवरटाइजर्स के जिन्हों की बदौलत ये प्रोग्राम्स तुहाडे तक पहुँचते हैं, तो सानू माण है कि तुहाडे सहयोग नाल ये उत्तरी अमरीका का कल्ला प्रोग्राम है जिस विच कि हर रोज़ असं तुहाडे नाल स्पिरिचुअल इशूज़ नू लैके हाजिर होया करते हैं, उस तो अलावा ऑफकोर्स पॉलिटिक्स इकनोमिक स्पोर्ट्स लाइफ स्टाइल और हैल्थ इशूज़ नू भी टच करते हैं। सो जरूर साढ़े नाल संपर्क करना 604-603-7555 और ये सारे प्रोग्राम्स तुसी youtube.com/harpreet singh show ते भी जाके देख सकते हो, तो नाल ही फेसबुक के उत्ते अते ट्विटर के उत्ते भी सानू फॉलो कर सकते हो। साड़ी वैबसाइट है harpreetsingshow.com। लैना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।